Welcome viewers, this video is about supervision and functions of supervisor. Supervision is an important element of directing. Without supervision, directing is incomplete and even not possible. So let us see what is supervision. So according to R.C. Davis, an expert of management, he defines supervision as: supervision is the function of assuring that the work is being done as per plan and instruction or not. Again, according to R. Davis, supervision is the function of assuring that the work is being done as per plan and instruction or not. हमने ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लान बनाया है गोल को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो प्लान के हिसाब से फिर हमने हमारे इस वर्करों को इंस्ट्रक्शंस दी है, सूचनाएं दी है, निर्देशन दिया है, उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में सब काम हो रहा है कि नहीं, हमारे अंदर के लोग उस हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं, प्लान के हिसाब से हमारे निर्देशन और सूचनाओं के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसको पक्का करना, उसका निगरानी रखना, उसको हम सुपरविजन कहते हैं. सुपरविजन मीन्स टू ओवरसी द वर्क बीइंग डन बाय अवर सबऑर्डिनेट्स इन सिंपल वर्ड्स, राइट? सो दैट इज अबाउट सुपरविजन. एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग, इट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट और पार्ट ऑफ डायरेक्शन और डायरेक्टिंग. As a manager, every manager has to do this particular activity or function. Now, at bottom level in the organization or large organizations, at the bottom level, supervisors are appointed to oversee the work done by workers. So, what does a supervisor do? Right. And from that, a topic evolves, and that topic is functions of supervisor. What does a supervisor do? And obviously, what a supervisor do is supervision. Supervisor जो काम करेगा, जो एक्टिविटियां करेगा, वही supervision बनेगा aggregate में as a whole. तो यहां हमने already supervisor के functions list out कर रखे हैं. Number one, to plan the functions of the employees. हमारे वर्करों से, सबॉर्डिनेट से हमें क्या काम करवाना है, उसका प्लानिंग करना, ये सुपरवाइजर का पहला फंक्शन है, राइट? याद रहे, यहां जो प्लानिंग है वो रूटीन एक्टिविटीयों के प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं. नंबर टू, टू गिव गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू द वर्कर्स और सबॉर्डिनेट्स. सुपरवाइजर का दूसरा इंपॉर्टेंट काम है हमारे अंदर में जो काम वर्कर्स कर रहे हैं उनको सूचनाएं देना, उनको निर्देशित करना, उनको गाइड करना, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन सुपरवाइजर का है. थर्ड, टू सुपरवाइज एम्प्लॉईज, टू ओवरसी एम्प्लॉईज, पर्यवेक्षण करना, देखरेख रखना सिंपल भाषा में वर्करों के काम की, ये भी एक अहम फंक्शन है सुपरवाइजर का. नंबर फोर, टू इंटीग्रेट वर्कर्स इंटरेस्ट विथ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. वर्कर का अपना इंटरेस्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल और इंटरेस्ट होता है, ये दो में कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो गोल अचीव होंगे नहीं. इसलिए हर एक सुपरवाइजर की एक एफर्ट रहती है, कोशिश रहती है कि वर्कर्स इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट बिकम यूनिफॉर्म और सेम, और उसके लिए वॉट एवर इज नेसेसरी will be done by the supervisor. Number five, to motivate and inspire and encourage employees. हमारे अंदर में जो workers subordinate काम कर रहे हैं, workers काम कर रहे हैं, employees काम कर रहे हैं, supervisor के अंदर में उनको motivate करना, उनको encourage करना, उनको inspire करना, ये बहुत important काम supervisor के share में आता है. Number 6, to maintain feeling of oneness. वर्करों की ये लगना नहीं चाहिए कि वो इंफीरियर हैं और
जो सुपीरियर लोग हैं वो सुपीरियर हैं. नो, इफ दैट हैपन्स देन देर विल बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड वेर एवर देर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देर विल बी एब्सेंस ऑफ हार्मनी. एब्सेंस ऑफ हार्मनी विल लीड टू नॉन अचीवमेंट ऑफ गोल्स. तो बात ये है कि टू मेंटेन फीलिंग ऑफ वननेस, सुपरवाइजर यानी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट एक ही हैं. भले सबकी एक्टिविटियां अलग है, सबके काम अलग हैं, लेकिन सब के काम अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये महसूस करा के सुपरवाइजर फीलिंग ऑफ वननेस लाने की कोशिश करता है वर्करों में. नंबर 7, टू मेक इफेक्टिव कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट. वर्करों के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना, क्योंकि व्हेन वी गिव इंस्ट्रक्शंस, व्हेन वी गाइड, व्हेन वी डायरेक्ट, ऑब्वियसली यू कम्युनिकेट विथ योर सबॉर्डिनेट्स एंड वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज. विदाउट कम्युनिकेशन सुपरविजन इज इनकम्प्लीट एंड नॉट पॉसिबल. नंबर नेक्स्ट 8, टू गाइड वर्कर्स और सबॉर्डिनेट अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड रिसर्चिस. ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटियां हो रही है, उस एक्टिविटियों के फील्ड में अगर कोई नई रिसर्चिस, नई इनोवेशंस, नई इन्वेंशंस हुए हैं, तो उससे भी एक्वेंट कराना, उससे फेमिलियर कराना वर्करों को, ये भी सुपरवाइजर की एक ड्यूटी या वर्क में आता है. नंबर 9, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन. विदाउट डिसिप्लिन एक्टिविटीज विल नॉट बी डन इन एन ऑर्डरली पैटर्न, इन अ टाइमली पैटर्न. नथिंग विल हैपन इन अ टाइमली एंड ऑर्डरली मैनर इफ देर इज एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन. सो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वर्करों में डिसिप्लिन मेंटेन करना, रूल्स रेगुलेशन जो बनाए हैं वो तमाम फॉलो हों स्ट्रिक्टली. उसके लिए वॉट एवर इज नेसेसरी विल बी डन बाई द सुपरवाइजर. नेक्स्ट नंबर 10, टू गिव ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू सबॉर्डिनेट्स, वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज. हमारे अंदर में काम कर रहे वर्करों को, एम्प्लॉइज को और सबॉर्डिनेट्स को वक्त वक्त पे ट्रेनिंग देना, ये भी सुपरवाइजरों के काम में इंक्लूडेड है. और ये तमाम 10 काम 10, और ऐसे और भी काम हम इंक्लूड कर सकते हैं. ये तमाम को देख के हम ये कह सकते हैं कि 11th वर्क कैन बी ऑफ ए सुपरवाइजर कैन बी that to act as a friend, philosopher and guide of subordinates, employees and workers. Supervisor का एक काम ये भी है कि उनके अंदर में जो workers, subordinates और employees काम कर रहे हैं, उनका दोस्त बन के, उनका philosopher यानी पथदर्शक बन के और guide यानी निर्देशक बन के उसे अपनी पोजीशन को प्रूव करनी है, right? ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में अपना रोल एज ए सुपरवाइजर प्ले करना है. ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय द सुपरवाइजर, एंड ऑल दीज फंक्शंस पुट टुगेदर ऑफ ए सुपरवाइजर इट बिकम्स सुपरविजन. सो